नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1300 स्क्वायर फीट का एक ड्यूप्लेक्स का डिजाइन, जिसमें मैं आपको इसका फ्लोर प्लान और 3D फ्रंट एलिवेशन बताऊंगा, जो कि काफी अच्छा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट में इसका फ्रंट एलिवेशन काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का कोई हाउस डिजाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप अगर कोई फ्लोर प्लान बनवाना चाहते हैं या 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना चाहते हैं या कोई एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारी कंपनी से जरूर कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा हाउस प्लान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर में हम सबसे पहले एंट्री करेंगे यहाँ से, एंट्री गेट से। यहाँ पे मैंने एंट्री गेट शो नहीं किया है। एंट्री गेट हमारा 10 से 12 फीट का रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से जैसे ही हम इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है पार्किंग एरिया। अब पार्किंग एरिया का जो साइज है वो है 16 फीट 6 इंच बाय 15 फीट, मतलब 16 फीट चौड़ा है ये और 15 फीट लंबा है यहाँ से यहाँ तक। जहां तक बात करें स्टेयरकेस की, तो स्टेयरकेस का जो साइज है हमारा, तो यहाँ पे हमने 7 बाय 11 फीट 6 इंच में यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड किए हैं। जहां तक सीढ़ियों की एंट्री की बात है, तो मैंने यहाँ एरो के माध्यम से आपको बताया है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से यू टर्न लेते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। अब बात कर लेंगे दोस्तों लिविंग रूम की, यानी कि जिसे हम अपना हॉल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा हॉल प्रोवाइड किया है यहाँ पे, जिसका साइज है 13 फीट 3 इंच बाय 15 फीट यहाँ से यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से यहाँ तक। काफी अच्छा हॉल है दोस्तों ये। जहां तक मैं विंडो की अगर बात करूं, तो विंडो हमने 2 विंडो प्रोवाइड किया है 5x4 की, यहाँ पे इस तरह से विंडो प्रोवाइड किया है हमने और एक डोर प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम अगर बात करें किचन की, तो किचन के लिए हम लिविंग रूम से यहाँ से आएंगे दोस्तों और इस तरह से हम किचन में इंटर करेंगे। जहां तक आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम किचन में इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने किचन का जो साइज है बड़ा रखा है, इसमें आप डाइनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किचन विद डाइनिंग रूम का हमने साइज प्रोवाइड किया है। तो जहां तक किचन रूम का जो साइज है 11 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 3 इंच, 11 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक और 14 फीट 3 इंच यहाँ से यहाँ तक, इस तरह हमने किचन प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर हम वॉशरूम की बात करें, तो यहाँ पे हमने 3 बाय 4 फीट का एक टॉयलेट प्रोवाइड किया है और यहाँ पे हमने 4 बाय 6 का एक बाथरूम प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप ड्रॉइंग में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने लोड विंडो प्रोवाइड की है, जिसका साइज है 1 फीट 2 इंच बाय 2 फीट का। यहाँ पे भी हमने एक लोड विंडो प्रोवाइड की है टॉयलेट और बाथरूम में। जहां तक ये साइज आपको दिख रहा है इस तरह का, ये 2 बाय 4 फीट का हमने साइज प्रोवाइड किया है, डक्ट प्रोवाइड किया है, ताकि यूटिलिटी यानी कि जो हमारे टॉयलेट बाथरूम के जो पाइप्स होते हैं उसके लिए हमने इस तरह का यहाँ पे डक्ट प्रोवाइड किया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बेडरूम की, तो बेडरूम कुछ इस तरह से हमने डिजाइन किया है, एक मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में हमने अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेडरूम का साइज है, मास्टर बेडरूम का, उसका जो साइज है वो 10 फीट बाय 11 फीट 3 इंच, मतलब 10 फीट यहाँ से यहाँ तक और 11 फीट 3 इंच यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे अटैच टॉयलेट की बात करूँ, तो यहाँ पे हमने एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया है, जिसका जो साइज है 4 बाय 6 फीट है। यहाँ से यहाँ तक इसका साइज 4 फीट है और यहाँ से यहाँ तक इसका साइज जो है 6 फीट का है। इस तरह से एक मास्टर बेडरूम हमने प्रोवाइड किया था। अगर हम गेस्ट बेडरूम की बात करें, तो गेस्ट बेडरूम का जो साइज है वो 9 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 3 इंच। जहां तक आप ये गैलरी देख पा रहे हैं, तो ये 3 फीट की एक गैलरी प्रोवाइड की हमने, जिसे हम बालकनी भी कहते हैं। तो ये 3 फीट की आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाएगी। इस तरह से हमने इसका ग्राउंड फ्लोर डिजाइन किया था, जो कि काफी अच्छा बना था, हमारे क्लाइंट को काफी ज्यादा पसंद आया था। तो हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये डिजाइन किया था। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट फ्लोर भी आप बिल्कुल देखिए इसका। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। तो जिस तरह से हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर में स्टेयरकेस प्रोवाइड किया था, वही स्टेयरकेस ऊपर में भी आएंगी। तो यहाँ पे हम यहाँ से एंट्री करते हुए सबसे पहले बालकनी में आएंगे, जिसमें बालकनी का जो साइज है 16 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। आप देख सकते हैं 16 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक और 10 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक। जैसा हमने नीचे एक बालकनी प्रोवाइड की थी 3 फीट की गैलरी, यहाँ पे भी 3 फीट की एक बालकनी प्रोवाइड करेंगे हम। ये जो हमने फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन किया था, ये हमने
रेंट के हिसाब से डिजाइन किया था, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें जो अपना फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करवाना था तो वो रेंट के हिसाब से डिजाइन करवाना, यानी कि अगर आप किसी को मकान किराए से देना चाहते हैं तो उस हिसाब से यह डिजाइन तैयार किया था हमने फर्स्ट फ्लोर का। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने दो ब्लॉक तैयार किए हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का एक ब्लॉक देख लेते हैं। तो ये जो है ये लिविंग रूम है जिसका साइज है 12 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट यहाँ से यहाँ तक। जहां तक मैं यहाँ पे विंडो की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 4x4 का विंडो प्रोवाइड किया है जो कि दोनों साइड में यहाँ पे है, जिसका काफी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा लिविंग रूम में। अगर हम कॉमन वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे हमने 4x7 फीट का एक कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे किचन की तो किचन का जो साइज है 9 फीट 9 इंचेस बाय 7 फीट 9 इंचेस। इसके बाद अगर हम बात करें बेडरूम की तो बेडरूम का जो साइज है 12 फीट 9 इंचेस बाय 8 फीट इसका साइज रहेगा। ये तो हो गया एक ब्लॉक। अब हम दूसरा ब्लॉक देखेंगे दोस्तों इसका। तो दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरह से तैयार किया है हमने। इस तरह से हम दूसरे ब्लॉक में यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये जो दूसरे ब्लॉक में हमने लिविंग रूम का जो साइज प्रोवाइड किया है यानी हॉल का जो यहाँ पे एरिया रहेगा वो 11 फीट 6 इंचेस बाय 14 फीट 3 इंचेस का रहेगा। यहाँ पे 3 फीट की गैलरी है दोस्तों, यानी 3 फीट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 फीट का रहेगा। अगर मैं यहाँ पे टॉयलेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो टॉयलेट का जो साइज है 3 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट का है, और जो बाथरूम का जो साइज है वो 4 फीट बाय 6 फीट का रहेगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डक्ट रहेगा यानी कि यूटिलिटी एरिया, तो यहाँ पे हमने 2x4 का यूटिलिटी एरिया प्रोवाइड किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे एक किचन प्रोवाइड किया था। जो ये ब्लॉक है दोस्तों सेकंड वाला राइट साइड का, यहाँ पे हमने एक हॉल और एक किचन और टॉयलेट बाथरूम दो ही प्रोवाइड किए हैं। हॉल में यहाँ पे साइज ज्यादा दिया है हमने। तो यहाँ पे जो किचन है, किचन का जो साइज रहेगा दोस्तों वो 11 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट 3 इंचेस। यहाँ पे हमने एक विंडो प्रोवाइड की है 4x4 फीट की। यहाँ पे जो गैलरी है हमने पीछे से 2 फीट 6 इंचेस की यहाँ पे छोटी एक गैलरी भी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा एक डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं एक इसका एस्टीमेट भी लाऊंगा जो कि आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको मकान बनाने में कितना खर्च आएगा। उस एस्टीमेट में आपको काफी बारीकी से चीजें पता चलेंगी, काफी बारीकी से आपको मटेरियल कॉस्ट के बारे में पता चलेगा। इस तरह के एस्टीमेट आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेंगे जो कि हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल उसे मिस मत कीजिए। अगर आपका एरिया 1200 स्क्वायर फीट हो, 1400 स्क्वायर फीट हो, 1500 स्क्वायर फीट हो, तब भी वह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं बात करूंगा इसके फ्रंट एलिवेशन की। हमने इसका 2D प्लान देख लिया जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का था। अभी हम इसका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो कुछ इस तरह से हमने इसका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किया था, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा और काफी सुंदर फ्रंट एलिवेशन था जो कि क्लाइंट को काफी पसंद आया था हमारे। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ ग्राउंड फ्लोर की तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है। यहाँ पे जैसा कि पता है आपको एक कंपाउंड वॉल आएंगी, इस तरह से बालकनी जो है गैलरी वहां पे भी कंपाउंड वॉल है। काफी सिंपल और काफी अच्छा फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किया था। जैसा कि मैंने बताया था स्टेयरकेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेयरकेस में कुछ इस तरह से हमने इसका सिंपल डिजाइन किया था। यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की है और ये जो है आपको ऊपर में दिख रहा है सेकंड फ्लोर पर, ये है हेडरूम जो कि 8 फीट के डिस्टेंस पर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा इसका फ्रंट एलिवेशन का लुक काफी अट्रैक्टिव बना है। तो अगर आप जैसे G+1 G+2 कौन सा भी डिजाइन बनवा रहे हैं तो वहां पर हेडरूम हमेशा दीजिए दोस्तों। हेडरूम अगर आप देते हैं तो उससे काफी अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने में काफी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रंट एलिवेशन है, आप देख सकते हैं इसमें। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो बिल्कुल मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी कंपनी से कोई डिजाइन, कोई फ्लोर प्लान बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, हमारी कंपनी आपको अच्छे से अच्छा डिजाइन बनवाकर देंगी दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।